मार्केट की आज की फॉल को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं और अपने ट्रेड्स भी बताइए प्लीज। गुड आफ्टरनून हेमंत गुड जी। आफ्टरनून तो सर। मच नीडेड करेक्शन, और वो किस कारण से आई वो जरूरी नहीं है, बट इट इज अनिवार्य से करेक्शन आए, और मैं यहाँ रूल आउट नहीं करता 11,000 से 11,200 तक जाएगी निफ्टी, एक पुलबैक जरूर आएगा, बट अंडरटोन ओवरबॉट थी, ओवर एंथुसियाज्म थी, और ये हेल्दी है मार्केट के लिए, तो 11,200 इज शुड बी वेयर वी कैन हेड टुवर्ड्स दिस करेक्शन एंड देन वी टेक इट फ्रॉम देयर, और ये बहुत ही हेल्दी होगी मार्केट के लिए। कॉल्स में ये आपको मैंने फ्राइडे को BTSKT में दी थी 358 पे अडानी पोर्ट, वो आज 378 आ गया, 5% जिसको गेन मिला है वो बुक करे 5-6%, और आज सुबह भी इसके बारे में जिक्र किया था, तो वो अपना कंस्ट्रक्टिव पोर्टफोलियो रखिए, लेकिन हेज करके रखिए कि मार्केट इस हफ्ते करेक्शन दे सकता है, एंड दैट करेक्शन अगेन विल बी अ बेस बिल्डिंग फॉर द ब्रॉडर मूव, और मुझे लगता है कंसोलिडेशन यहाँ होगी। अब आप कहें तो मैं कल दूं सर, 2 सेल है और 1 बाय है। प्लीज सर बताइए। तो पहले बाय गए था, बाय मुझे बहुत पसंद है इस भाव पे, ONGC आई थिंक PSU जहाँ रीट है रीरेट होंगे, 82-82.5 का भाव है, 80 का स्टॉप लॉस रखिए, 95 का टारगेट, और सेल में है सर दोनों दिग्गज जो काफी, अब मेरे को लगता है तो यहाँ पे करेक्शन कंज्यूमर स्टॉक्स में आएगी, तो बजाज फिंसर में सर फर्स्ट सेल 6220-6240 में बेचिए, 6360 का स्टॉप लॉस, 5900 का टारगेट, और दूसरा सेल है टाइटन 1115-1125 में 1155 का स्टॉप लॉस रखिए, 1040-1050। ऑल राइट, तो ये 2 सेल और 1 बाय, इसके ऊपर नजर रखिएगा। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भसीन